HTTPD है ना रीस्टार्ट कर लो क्या सर सर उस दिन हम चलो देखो यह हम इंस्टॉल स्टडी कर दिया अब इंस्टॉल है ठीक है अब एक डायरेक्टरी खोलो PTC क्या करना है स्लैश PTC HTTPD स्लैश कॉल स्लैश कौन कर दो या फिर कौन सिर्फ कौन रहेगा कौन के आगे स्लैश हाँ डॉट सी ओ कौन हाँ इंटर तो सर इस इसके अंदर तो नहीं जा रहा है VI करके खोलना है क्या एक सेकंड से। एक बार रिपीट करो सर क्या बोले हैं सर एक बार रिपीट कर रहा हूँ करूँ /HTTPD/con/httpd.conf मुझे गलत तो नहीं है सुबह सुबह गाली सुन /httpd/con/httpd.com क्या ये अपना ये नहीं हुआ क्या रीस्टार्ट तो कर दिया था मैंने ये गलत लिखा कौन बोल रहा ना कौन थोड़े बोल रहा है CON बोल रहा था मैं कौन से कौन से है ना सर इसमें कुछ चेंज करना है इसी में सीरियल करूं क्या सीरियल वगैरह करना इंस्टॉल तो ही करना था ना HTTP लास्ट में जाओ उसका ठीक है
कहाँ से लिखना है सर? ये वर्चुअल और सी एस एक्सेल पूरा लिखो। लिखना है या मिल जाएगा मुझे कॉपी करने के लिए? लिखो ना। बारह बारह तू सही तो है, सही है ना? यही है ना, इसके नीचे है। वी आई एम ने करके नहीं खोला क्या? नहीं, वी आई करके खोला। वी आई वी आई एम करके खोला करो, क्योंकि पता लगे गलत क्या तुमने लिखा है। अच्छा, कोशिश करो वी आई एम करके खोलने के लिए। शिफ्ट जी किया करो लास्ट जाने के लिए। यही सब चीज पूछता है लोग। 5000 की लाइन है, तुम बताओ। एक लाइन के, एक लाइन के लिए आने के लिए तो वो है क्या? एक लाइन नीचे आने के लिए, नीचे आने के लिए नहीं, एक लाइन नीचे इंसर्ट करने के लिए वो है। हाँ, 5000 की लाइन है, उसमें बनाओगे एक अगर, अगर सेंटर में आना हो तो है? सेंटर में आना हो तो सेंटर में, तो फिर पेज अप पेज डाउन करो। शिफ्ट जी है ना सर? शिफ्ट जी जी कर दोगे तो नीचे सुपर पहुंच जाओगे। कौन सा और इंटर मार के लिखो नीचे, इतना और थोड़ी रहती करो ना, इधर में लिख लो तुम लोग भी कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो सर मैं सोच रहा हूँ, वर्चुअल से लिखना है ना सर? नोट्स बना कर रखे सही है सर, अभी एक भी याद नहीं। ये तो देखते हैं, छुटना तो नहीं चाहिए बट याद कुछ याद हो चाहे सही से लिखना, कौन भी समझना, गलत मत करना, सेव करना मत अभी, हम बताएंगे जब सकते हैं। याद कैसा होगा सर इतने सारा? कुछ नहीं याद करना है, सिंपल हम बता रहे हैं ना। ये नहीं पूरे का पूरा सर जो आज तक पढ़ाई हुआ। कुछ तो सर ट्रिक बताओ कि हम लोग कामयाब हो जाएं।
आपके पढ़ाई में जादू होने चाहिए सर। पढ़ने वाले नहीं हो। ऐसा होना चाहिए सर का पढ़ाया हुआ कामयाब होना ही होना है। नहीं मतलब ये जरूरी नहीं है कि कामयाब होगा, पढ़ेगा तभी होगा। ये भी एक चीज है, कोई भी जारी छड़ी नहीं है, पढ़ाई जारी छड़ी नहीं है, घुमाए हो गया। पढ़ाई ऐसी चीज है तो कोई जादू नहीं घुमाए। फिर भी सर कुछ ज्यादा है तो बता दीजिए। क्या सिखाने का दग है? देख के सर मुझसे दिखाई नहीं। सही साफ साफ लिखे ना सर, स्पेस जो कैप्स में लिखना है, जो स्मॉल में लिखना है, इसे बहुत मायने रखता है। और सर तो अमरनाथ को जादू की छड़ी चाहिए। सर कह रहा है कि बाल कैप्स में लिख रहे हो ना? वो बाल में लिखना है ना सर, लपक उसके सिर पांच रख के वी कैप्स में लिखे और मेरा अगर स्मॉल में लिखा तुमने कहाँ पे? वी फॉर फैक्ट्री सर कैप्स वी ए भी नीचे नहीं मतलब वी कैप्स में होगा। हाँ ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग कर दिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, ये लिखे हैं आप। अरे कौन सी तो कहीं जा रहा दिखा रहा है ओ भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्यों लिख दिया तू भी? अबे ये नहीं है, कहाँ लिख रहे हो? बस कर लिखने ये नहीं है, ये भी खोलेगा तो दिखाएगा। काट देना है ये थोड़ा लिखे ना। हाँ ये बंद कर दिया यहाँ पे। ओ यहाँ ये काट, ये बंद क्यों हटा रहा है? सेव कर दो सर। क्या कर रहे हैं example.com करके हमारा डोमेन नेम है तो उसको अपने सर्वर पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है तो जितना सेक्शन है वो पहला है वर्चुअल होस्ट करके स्टार्ट करने का। ठीक है यहाँ पे स्टार पोलैरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि ये आईपी चाहे कोई भी हो तो पोर्ट 80 नंबर ही पिक करे। ठीक है सब आईपी नहीं दिखेगा, आईपी जो भी हो चलेगा। इसलिए वहाँ पे वो दिए कॉलन दिए यहाँ पे कितना लोग कॉलन के पहले क्या देता है सर्वर का आईपी देता है। ठीक है हम यहाँ पे आईपी नहीं दिए कॉलन आईपी चाहे सर्वर का कोई भी है। ठीक है गेट टू दूसरा नंबर पे क्या है नहीं अगर HTTPD कर दूँ ना हो गया आप हो
हमें example.com बार से जो रिजॉल्व भी होना चाहिए करेक्ट उसके लिए क्या करोगे उसे डीएनएस चाहिए करेक्ट तो डीएनएस को भी फिलहाल बाईपास करने के लिए अपने सिस्टम के होस्ट फाइल में पॉइंट कर दो अपना तुम वो खोलो विंडोज का सी ड्राइव विंडो में जाओ यहाँ से नहीं जा सकते चला जाता है ना सी ड्राइव में कहाँ पे जाओ सर सी ड्राइव में जाओ यूजर्स में नहीं सिस्टम 32 होगा सिस्टम विंडोज प्रोग्राम विंडोज हाँ सिस्टम 32 है इसमें ड्राइवर होगा कैसे ड्राइवर्स है जाओ इसमें मेरी डीसी होगा हाँ है सर चलो ये होस्ट फाइल भी खोलो नोट पर बोलो इधर लिखो आईपी इधर लिखो डोमेन जैसे ये लिखा है नीचे लिखो या इसी में लिखो नीचे नीचे यहाँ पे सर अभी लास्ट में यहाँ पे ना IP अपना आईपी कौन सा लिखो AWS आईपी लिखो AWS प्राइवेट है लोकल प्राइवेट लिखो ये पब्लिक है ना पब्लिक लो ओके डोमेन एग्जांपल डॉट सर ये लिख दिया उसका क्या पब्लिक ने हाँ फिर तो एग्जांपल डॉट कॉम यहीं पे सर बाईपास करने के लिए किया है उसको तो सेव नहीं कर रहे क्या ओवरराइड कर दो नहीं होगा नया नाम सेव कर दे हाँ एडमिनिस्ट्रेटर से लोग ही नहीं है कि छोड़ हटा चलो 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 परमिशन देना पड़ेगा बंदे को सुनो ये मेरा आईपी जगह डाल दो तुम कहाँ पे डाल दो ये मेरे सिस्टम में डाल दो अपना आईपी अपने फोन खोल लो बताना है बताओ कौन सा आईपी मैं किसी भी सिस्टम में डाल सकते हैं हाँ हाँ बाहर से खोलने के लिए मैं तो उसके सिस्टम में खुलवा रहा हूँ इसलिए 3 point सर हम लोग को तो आएगा नहीं ना 3 point 14 14 डॉट डॉट 81 डॉट 71 71 कंट्रोल एस ये एडिट प्लस में होगी ना फाइल सर तो हम लोग में क्यों नहीं हुआ तो तुम्हारे में जो परमिशन है ना होस्ट फाइल पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को है तो हम नहीं कर सकते सही एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके होगा ना फिर मेरा सिस्टम से लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो हमारे यूजर बना ही नहीं कितने से वो होता है डिसेबल होता है उसे लॉगिन कर लोगे अच्छा ये पता नहीं है ना इसलिए पूछ रहा था नहीं ये बस याद रखो कि डीएनएस सर्वर मेंटेन करना है अगर वो डीएनएस को बाईपास ऑन करो एचटीएमएल बनाओ एचटीएमएल के अंदर डेमो नाम का क्या सर जी ना समझ में आया क्या इसमें डायरेक्टली बनाओ डेमो का जो तुमने डॉक्यूमेंट रूप की फाइल किए हो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ना तुम्हारे सर्वर पे हाँ हाँ क्या डिफाइन किया वहाँ पे डेमो ही है सर
डेमो है तो डायरेक्टरी बनाओ, डेमो थोड़ी ना बना होगा डायरेक्टरी सिस्टम में। तो किस पे बनाओ, रूट पे? हां कहां बनाओ ये किसी? अरे डिफाइन किया हो ना पाथ यार वहां पे, तो पाथ तो किया था, पाथ किया है सर। इसमें डेमो आएगा लॉग्स के अंदर, कस्टम लॉग के, कस्टम लॉग फिर लॉग्स एग्जांपल एक्सेस की बात कर रहा हूं, तो कस्टम वायर के अंदर। अच्छा ठीक है, वायर डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल के पास होगा, तो वो पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए ना सर्वर पे। हाँ वही कर रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। वायर लॉग, क्या बना रहे हो? वायर डब्ल्यू 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 बोलेगा भाई, तीन डब्ल्यू समझ गया, आगे बता। सर बोलेंगे कहाँ से बजा कर आए हैं स्टूडेंट एच टी एम एल डेमो, बस इसी पे बनाते हैं एच टी एम एल के अंदर ही। सर मैंने पूछा इससे डब्ल्यू डब्ल्यू क्या कहता, तीन डब्ल्यू ऐसा मत यार। लिनक्स पढ़े हो? बता बता कहाँ लिखा है यार? ये है ना डॉक्यूमेंट रूट, एचटीएमएल पे भी जाकर रूट एच टी एम एल पे भी जाके सर एम के डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं, तो रूट दे दूँ? क्यों दोगे? साइन दे दूँ? नहीं दूँ, क्यों दोगे वो साइन? वहाँ पे चले गए थे, जब बाहर से बनाते तब ना देना पड़ता है। दे दिया सर। तुम ये सब बता, ये सब छोटा छोटा चीज यार, तुम मान गया। अब उसके अंदर जाके एक फाइल बनाओ इंटेग्रो एच टी एम एल। अच्छा इसके अंदर भी, डेमो के अंदर भी? हाँ ठीक, कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना। क्या बनाऊँ? इंडेक्स डॉट एस टी एम एल बनाऊँ ना? इंडेक्स डॉट एस टी एम एल बन गया, उसमें लिखो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में लिखो। ओके रुक जाए, मैं कैट करके भी तो लिख सकता हूँ। कैट सर अगर इंडेक्स एच टी एम एल में मैं कैट से नहीं लिख सकता हूँ देखने के लिए, कभी कभी रीडायरेक्ट कर सकते हैं ना? कैट से रीडायरेक्ट होता है? हाँ रीडायरेक्ट हो जाता है ना, कभी मैंने किया था, वी आई करके जा रहा हूँ सर। लिख दिया सर, कर दिया। नहीं।
प्लेस में होता है ना, ये देखो यूपीआई करता हूँ, ठीक है एंटर किया, कुछ हो रहा है इंडेक्स नहीं बोल रहे हैं सर, रुकिए सर एक मिनट, कुछ बोल दिया कर रहे थे अभी, कहाँ गलत करता है, क्या हुआ सर, एडिट में जाके जो फाइल सेव करे सेव नहीं हो रही फाइल, फाइल बन गया यार, दिखाओ तुम्हें अल्लाह दिखाओ, एक मिनट सर, आपने इसमें फाइल बनाने के बोला था या डायरेक्टरी बनाने के बोला था, डायरेक्टरी के अंदर फाइल, ये डेमो के अंदर में इंडेक्स डायरेक्टरी बनाना था, फाइल बनाना, वो तो ठीक है पर हम लोग गलत ही किए हैं ना यार, ये डायरेक्टरी बना दिए हैं, उसको डिलीट कर दो, ऐसे करवाने पड़ जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा सर, हो गया 2 मिनट, क्या हो गया इसको, हो गया बना दिए थे ना पैक, बंद तो गई है आपको, कहाँ बना है, टच इंडेक्स डॉट नहीं बना है, हो गया सर, मैंने फोल्डर बना लेते हैं पहले, फायरवॉल बंद है, चला दो, उस दिन बंद किए थे ना, फायरवॉल टी चेक कर, चेक कर ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, सिस्टम सेटिंग एक पॉलिथीन में है, दे दे, नहीं है, एक है, एक है, अलाउ करो इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, रीस्टार्ट करना चाहिए होगा पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना, बात इसको अलाउ की, इसको अलाउ वहाँ से करूँगा सर, फॉरवर्ड FIRE WAL CMD क्या करना है, हाइफ़न हाइफ़न ऐड करो या परमानेंट करो, हाँ वही परमानेंट, क्या हाइफ़न हाइफ़न ऐड कुछ ऐड करना है सर इसमें, हाइफ़न ऐड हाइफ़न सर्विस हाइफ़न सर्विस इक्वल टू ERVI सर्विस इक्वल टू इक्वल टू HTTPD यस HTTPD कर दो, परमानेंट PERMA परमानेंट
क्या होगा सर, HTTPD नहीं होगा, HTTP करना। अरे उसी को ऊपर की कर दो ना, ये ऑलरेडी हो गया। लोड भी कर दो सर, कमांड चलाना तो नेट स्टेट, नेट स्टेट स्पेस नेट स्टेट नेट STATE स्टेट स्पेस स्टेट NET STATE नेट स्टेट एनी। पिछली बार कमांड ही लिखवाए थे, तुम्हें कुछ याद रखते हो? NET नेट स्टेट लिखो यार, NET STATE। इसको और मिटा, एक बार मिटा। NET STATE यही है ना? अरे ई नहीं यार। अच्छा ठीक है, स्पेस -TUN -hyphen। पिछला बार कमांड कोई प्रैक्टिस नहीं किया उन्हें, बोलना नेक्स्ट टेस्ट TUNLP TUNLP एंटर मारो, OTT दिखा रहा बाहर से, एक्सेस है पता है। ये लिखे थे क्या तुमने? हाय हाय। हाँ ये आप कौन सा देखे थे? यही देखे थे ना सर, HTTPD। लिसन कर तो रहा, खुल तो गया अब, फायरवॉल मैट नहीं था इसलिए। तो मतलब इसका काम है, इसका काम वेब होस्टिंग करना है। अपाची उस समय भी हम एक वेब होस्टिंग किए थे यार, पहले थे। हाँ वो किए थे, वो भी किए थे, वो अपाची नहीं था, वो भी अपाचे का ही था पार्ट एक। अच्छा यहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो उसके नीचे, example.com किया उसके नीचे, और भी ABC कुछ भी जो भी डालना है डाल, जो भी डाल सकते हो। जो उसमें पैरामीटर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारे पैरामीटर इम्पोर्टेंट है, कोई पूछेगा तो पूरा पूछेगा, पूरा बताना पड़ेगा। वो जो VI के अंदर है तो पूरा पैरामीटर याद रहता है, आप तो आपको याद होगा सर। तो 4-5 ही तो है उसमें, कितना याद रखना है। यही है ना सारे से। अच्छा सर, इन केस ये वही होस्ट कर सकता है ना सर, जिसका मतलब डोमेन हो। जरूरी थोड़ी ना डोमेन होना ही चाहिए, अपना भी वेब बना के नहीं कर सकते क्या? अपना भी बना सकते। हाँ तो क्या, हम अपना लोकल DNS यूज करेंगे, बाहर से नहीं खुले, क्या दिक्कत है, हमारा इंटरनल तो खुलेगा। अच्छा मतलब वो इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट पर चलेगा, चलेगा वो अलग नहीं चलेगा। ओके इसीलिए हम अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहें तो हम उसका नाम दे सकते हैं और उसको एक्सेस करवा सकते हैं अपने बंदों से, अगर उनको चाहें तो। अब पोर्ट नंबर वही होना चाहिए, तो अगर पोर्ट अलग हो तो सबका चेंज करना पड़ेगा। पोर्ट किससे अलग होगा? स्टैंडर्ड पोर्ट है तो 480 अपने ऑफिस में सबका ही। हाँ क्या दिक्कत है, सर्वर का IP तो अलग अलग होता है ना सबका। जरूरी नहीं कि डोमेन से ही खुलेगा, IP से भी खुलेगा तो IP से भी खुल जाएगा। हाँ IP भी दे दिया जाएगा, लेकिन IP से नहीं खोल के डोमेन से खुलना चाहिए। नॉन वॉइस डोमेन हो गया ना सर, जिससे हम लॉग इन करते हैं। हाँ तो अगर सारे यूजर्स हमारे नॉन वॉइस से लॉगिन करते हैं तो उनको एक नॉन वॉइस बस डोमेन नेम दे दूंगा तो खुलेगा सर? क्या हमारे सिस्टम जो लॉगिन होता है, तो मैं मोना ठाकुर से लॉगिन करता हूँ, आप जय सर से करते हैं, तो
हमारे पास जो यूजर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको एक लॉगिन दिया गया है नॉन नॉन ओवर जो सिस्टम में लॉगिन करते हैं वो तो डिफरेंट चीज है यार। अच्छा मैं डोमेन होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट होस्टिंग। उनको एक्सेस के लिए मैं क्या करूँगा, वो सारे को कुछ बना कर देना चाहता हूँ डोमेन में बना के देना चाहते हो तो डोमेन ही ऐसे एक्सेस कराना चाह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी डोमेन तुम्हारा रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। अच्छा रजिस्टर क्या है एम इंस्टॉल एम ओ डी अंडर स्कोर SSL पढ़ रहे थे हम लोग TCL पढ़ रहे थे TLS TLS 480 पढ़ रहे थे फ्लेम पे। अच्छा हो गया सर, इसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? हो गया हाँ रीस्टार्ट मत करो, अब नहीं कर रहा है उसी में DTC HTTPD etc/httpd conf.d /ssl.conf conf इसमें सबसे नीचे जाना आ गया सर। इसमें पहले से ही वर्चुअल होस्ट बना हुआ है, इसमें ये भी है सर, बंद भी कर दिया गया। हाँ ये सब याद करना है तो कुछ कुछ ना उसकी समझ में आया ना बहुत बाहर निकल जाए इससे लिखाना कहाँ पर लिखे वेर लॉग एक्टिविटी इसमें होगा ना, एक कस्टम लॉग में जाके चेक करें ना सर, कस्टम लॉग में देखेंगे ना ये सक्सेस हुआ है ना। एरर लॉग करके एक्सेस लॉग है, एग्जांपल एक्सेस लॉग है, तो हमारा तो एग्जांपल एक्सेस लॉग होगा ना सर। अरे समझ से बाहर क्या क्या आ रहा है अंदर, लॉक्स में कुछ लॉक क्रिएट हुए हैं सर, लॉक क्रिएट हुए हैं 14 जुलाई को। आईपी आपका है क्या सर, आपका वाला आईपी है क्या?
हाँ ये आप ही क्या है 202.174.5.2। एरर लॉग में कुछ नहीं होगा सर, एरर लॉग में इसमें तो बहुत सारे एरर लॉग सर, एरर लॉग में तो बहुत सारा है। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या चीज कह रहे हैं। एक मिनट सर, हाँ डायरेक्टिव बना रहा हूँ मैं। PTCPKI PTCPKI तुम यहाँ यहाँ वहाँ तो इसको बड़ा कर लो या तो जो उन लोगों को दिखे। किसको बड़ा है अब इससे बड़ा प्रोजेक्टर नहीं इतना बड़ा नहीं दिखे। फ़ॉन्ट बहुत छोटा रखे हो तुमने, इतना तो छोटा हमारा नहीं। कैसे करूँ भाई छोटे बड़ा, पिक्सल बहुत ज्यादा ले रखा होगा ना तुमने सिस्टम पर। अच्छा अच्छा अभी तो दिख रहा है ना, दिख रहा है उसी दिख रहा है। अरे इधर कर ले फिर भाई थोड़ा सा, मैं तो सिर्फ इन देख के टूट जाता हूँ। नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ हटा। अरे मैं नहीं बना हूँ सर, नहीं बना ना बनाना सर। सर इस पे बना दीजिए, हैं सिस्टम पे बना दीजिए सर। इधर ला सर, हम लोग नहीं बनाएंगे सर। तुम ही बना, तुम्हारे सामने ही कर रहे हैं। मैं थोड़ी नहीं चला MKDIR से मैंने क्या किया। अब तो दिख रहा है ना सबको। हाँ सर जी। अमरनाथ PTCPKI PKI क्या है सर? एक डायरेक्टरी है तुम की कहीं भी बना सकते हो, डजंट मैटर। किसी अदर नेम से बना सकते हैं। ये इस डायरेक्टरी के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक ETC PKI TLS एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी बनी होती है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक जाके बनाया सिक्योर नाम का फोल्डर, ठीक है। अब मैं इसको स्काइप पे कमांड दिया था, पहले पता हम हैदर को ना लड़की है लड़का समझ रहे थे। ऐसे तो सर उसका सिंटैक्स ही क्लाइंट THUY, तो उसे क्या समझेंगे आप? इसमें मैं आज ही नहीं पता था लड़की है लड़का। चलो छोड़ो, अब हम क्या कर रहे हैं, जब SSL सर्टिफिकेट खरीदते हैं ना जी, तो एक तो का SSL सर्टिफिकेट हम परचेज करते हैं जो कि पब्लिक वैलिड होता है। तो अभी हमारे पास टेस्ट करने के लिए सर्टिफिकेट हम परचेज नहीं कर रहे हैं GoDaddy से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक सर्टिफिकेट हम खुद का अपना बना रहे हैं सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जो कितने दिन के लिए वैलिड होगा,
365 मतलब एक साल के लिए वैलिड होगा ठीक है। ये है क्या ये कमांड है OpenSSL रिक्वायर्ड। OpenSSL एक कमांड है जो आपको सर्टिफिकेट बना के देता है ठीक है। लेकिन वो सर्टिफिकेट क्या होगा, सेल्फ साइन होगा। सेल्फ साइन इन द सेंस कि वो आपके द्वारा बनाया हुआ सर्टिफिकेट है, वो पब्लिकली वो वैलिड नहीं होगा, पब्लिकली वो डिनाई होगा, वो वार्निंग देगा ठीक है। खुलेगा जरूर पर लेकिन देगा कि सेल्फ साइन है, मतलब हाथ द्वारा बनाया हुआ ठीक है। तो CSR फाइल जब सर्टिफिकेट बनाते हैं तो हमें तीन चीज की जरूरत होती है। पहला जरूरत होती है हमारे को प्राइवेट की। स्कूटी किसका स्कूटी आगे पे रखा है क्या, इस साइड को कर देना, सामने तेरा है लेते जाकर दोनों का हटाना तो करते आज आवाज होते आज तो पेड़ के पास लगा हाँ बिल्कुल साइड में मदरसे में ना जो पकड़ा यूजर मत करो। किसी भी सिक्योर वेबसाइट के लिए हमें तीन चीज की कंपलसरी होती है, मतलब कंपलसरी क्या इन द सेंस कि हमें जरूरत होती है सर्टिफिकेट फाइल के लिए। सर्टिफिकेट फाइल कैसे आता है, कैसे जनरेट होता है, सबसे पहले हम प्राइवेट की जनरेट करते हैं। प्राइवेट की हमारा होता है, खुद का होता है, जो हम जनरेट करते हैं बाई OpenSSL कमांड के थ्रू ठीक है। की के बाद हम फिर जनरेट करते हैं CSR फाइल उस की के बेस पे। CSR फाइल में क्या होता है, आपका बकायदा इन्फॉर्मेशन होता है कि आप इस टाइप का इन्फॉर्मेशन होता है, कंट्री नेम क्या होगा, किस कंट्री में आपका वेबसाइट होस्टेड है, स्टेट क्या होगा, लोकेलिटी नेम क्या होगा, किस कंपनी का होगा, उसका डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा। कॉमन नेम का मतलब ये होता है आपके डोमेन का नाम, जो कि फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है ईमेल एड्रेस ठीक है। इससे हमारा क्या जनरेट हो गया, CSR फाइल। CSR फाइल इज यूजर और ऑल इंफॉर्मेशन ठीक है। फिर इस CSR के बेस पे हम सर्टिफिकेट फाइल जनरेट करते हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, तुम जितने मर्जी सालों के लिए जनरेट कर सकते हो। तो अगर तुम लाइव इन्वायरमेंट की बात करो तो लाइव इन्वायरमेंट पब्लिक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट कोई नहीं बनाता है ठीक है, सबकी सर्टिफिकेट परचेज करता है वो डेडी से। तो उस परचेज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका काम है प्राइवेट की जनरेट करना और फिर CSR फाइल जनरेट करना। और जब तुम गो डेडी में परचेज करने के लिए जाओगे तो तुमसे मांगेगा CSR फाइल, जो तुम CSR फाइल उसको सबमिट करोगे ना तुम्हें वो सर्टिफिकेट फाइल बना के दे देगा, आपस उसको तुम लगा लोगे जनरेट। अभी केस में हमारे पास टेस्ट करने के लिए SSL वेबसाइट, हम अपना खुद का प्राइवेट की जनरेट कर रहे हैं और सर्टिफिकेट बना रहे हैं ठीक है। तो एक लाइन का कमांड ये है, ऐसे तीन चार कमांडे हैं, एक लाइन में हमारा ऐसे जनरेट हो जाएगा। हमने क्या किया, एक डायरेक्टरी बना लिया /etc/pkTLS के अंदर सिक्योर नाम का फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या है, अपना की फाइल जनरेट करेंगे और सर्टिफिकेट फाइल भी बनाएंगे। अब हमने इस कमांड को जाके देखो, हमने पाथ भी डिफाइन किया है /etc/pkTLS के अंदर सिक्योर। की कहाँ बनेगा, सिक्योर के अंदर बनेगा। सर्टिफिकेट फाइल कहाँ बनेगा, सिक्योर के अंदर बनेगा। ये दोनों एक साथ बनाएगा, सारे साथ बना देंगे एक ही कमांड में। इन्फॉर्मेशन मांगेगा अब कंट्री नेम मांगा, कंट्री नेम में हमारा दो लीटर होना चाहिए। देखो लिखा है ना 2 लीटर IN, सबका 2 लीटर ही होता है। IN US का US होता है, जर्मनी का GA होता है, ऑस्ट्रेलिया का EU होता है, उसी तरह हमारे इंडिया का क्या होता है, IN होता है। स्टेट मांग रहा है, UP डाल दिया हमने ठीक है। लोकेलिटी नेम सिटी नोएडा,
ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम कंपनी के नाम मांग रहा है, ठीक है। हमें डाल दिया यहाँ पे टेस्ट, नहीं कंपनी के नाम दे देते हैं तो। क्या दे बता, चलिए हमें डाल दिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट नेम सेक्शन, यूनिट का नेम मतलब क्या है, कितने सेक्शन, यूनिट नेम मतलब कि किस डिपार्टमेंट। हमें डाल दिया कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम मतलब ये और वेबसाइट का नेम जिस वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, तो फिलहाल हम बना रहे हैं secure.com के नाम से एक वेबसाइट बनाएंगे। सिक्योर गलत है सर, uri.com, ठीक है। ईमेल एड्रेस बताओ अपना, मुन्ना डॉट ठाकुर एट बीके नंबर, इंटर। अब हमारा सर्टिफिकेट फाइल बन गया, कहाँ पे जाएंगे हम, जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी ना सिक्योर के अंदर, बन गया ना .crta.key फाइल के नाम से जो मैं डिफाइन किया था। अब क्या करना है, हमें अब सिक्योर वेबसाइट बनाना है, ठीक है। ये भी तुमको भेज ही देते हैं, का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी होता है etc, दिखाई दे रहा है तुमको, तुम्हें वरना conf.d ssl.conf file। आप देखो एक वर्चुअल होस्ट की एंट्री क्या है, ऑलरेडी है किया हुआ, हुआ किया हुआ, तो हम क्या करेंगे इसको पूरे को नहीं, पूरे को बंद करके हम अपना खुद का बनाएंगे, ठीक है। अब वर्चुअल होस्ट देखो यहाँ से शुरू हुआ ना, वर्चुअल होस्ट यहीं पे बंद कर देंगे, यहीं से बंद करना शुरू करो, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। अब खोलना हो तो कैसे बता सकते, अपना खुद का बनाएंगे ना एक साथ बन गया। ज़्यादा इसका बैकअप लेके रख लो, यानी इससे ज़रूरत ऐसे होता नहीं है ना सर, नहीं जरूरत है, मतलब कहीं गलती कर दिया तुमने है ना, बैकअप को लेकर रखना ही चाहिए, कभी भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चेंजेस करो पहले उसका बैकअप रख लो। ये आपके पास कहाँ से आ गया सर, सर एक कमांड है क्या, कमांड नहीं, जिसे तुमने http.com फाइल में लिखा था ना वैसे अभी हमने बनाया ना इसमें, फिर तुम बैठेंगे लिखने के लिए, नहीं तो टाइम खराब होगा, बनाना तो आना चाहिए ना, क्या जिस तरह कमांड, कमांड नहीं है ये, ये वही है जो हम बना रखे हैं, जैसे हम ये एलियस नेम secure.com वहाँ दिए हैं, www लगा दिए, सब कुछ वही है, देखो चेंजेस क्या है इसमें,
की फाइल केवल डालना है, की फाइल SSL इंजन ऑन करना है और SSL सर्टिफिकेट फाइल बनाना है और SSL सर्टिफिकेट की फाइल है और ये सर्टिफिकेट फाइल है। तो इसका तो पाथ दे रहे हैं बस, पाथ दे रहे हैं बस, कुछ कमांड थोड़ी नहीं, मैं बोलता रहा हूँ कमांड थोड़ी नहीं है। इसमें सब कुछ वही रहेगा जो उसमें है, बस ये तीन चीजें नया ऐड हो रहा है। समझ गया। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है, डेमो वन, उसमें डेमो था ना, ऐसे हम डेमो वन रखे हैं। कौन से होता है यार, इससे होता है ना सर, इससे डब्ल्यू क्यू, ठीक है। स्टार्ट हो गया, हम डाटी बना लो डेमो वन का। जब हम मेन रूट पे बैठे हैं तब स्लैश करके बनाते हैं। डेमो वन बन गया और पीसी के अंदर एक फाइल बना दो, इंडेक्स.डॉट ठीक है। कंटेंट में कुछ भी चेंज करते हैं तो सर्विस को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, नहीं है। अब यहाँ से कमांड देख लो, प्रैक्टिस में लाओगे तो सब चीज याद रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी चल रहा है अपना, पोर्ट 80 था ना, अब इसके लिए 443 होना चाहिए। अच्छा, पोर्ट 80 हट गया है, 80 भी है 443 भी है, दोनों चल रहा है। तो 443 सर तो हम तो ऐड नहीं किए हैं यहाँ पे, मैंने सर्विस में, ये खुद भी खुद ले लेता है। अच्छा, ये सबसे पहले जब पोर्ट डिफाइन होता है पता कहाँ पे होता है, ये तो यहाँ पे अलग चीज़ें डिफाइन करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफाइन होता है ये लिसन, ये पोर्ट चेंज कर दोगे तो फिर वो चेंज काम करना वो बंद कर देगा। उसी तरह तुम्हारा http.conf फाइल में भी होता है। देखो लिसन 80 और ये पोर्ट चेंज कर दोगे तो पोर्ट तुम्हारा चेंज हो जाएगा, अगर दूसरा पोर्ट, दूसरा पोर्ट हो जाएगा। अब इसे 80 की जगह हम पर इसका स्टैंडर्ड कोड 80 है ना, हाँ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, रिस्टार्ट कर दोगे ठीक है। अब तुम्हारा secure.com के लिए पॉइंट करते हैं आईपी, ये तो हम लोग सर कर भी नहीं पाएंगे प्रैक्टिस, ये नहीं कर पाओगे। दूसरा सिस्टम बनाओगे ना, जो दूसरा सिस्टम बना लेना ठीक है, चाहे इसी सिस्टम पे ETC होस्ट फाइल में जाके ETC होस्ट फाइल में जाके यहाँ डाल देना अपना सर्वर का IP या आगे वेबसाइट का नाम। अच्छा, और लाइनेक्स में चेक करने के लिए कमांड होता है, ये क्या हो जा रहा है यार, ये लाइनेक्स में चेंज करने का कमांड होता है ईलिंक्स, ईलिंक्स हाँ कमांड पोर्ट पे, कमांड मोड में किसी वेबसाइट को खोलना हो तो खोलोगे तुम ईलिंक्स कमांड से, याद रखना।
लिंक्स तो मैंने इंस्टॉल किया था पहले। स्टार कौन है यार? एट यहाँ पर तुम लिख दोगे ना। अब जैसे तुम इससे काम करना ETC इस पर लोकल IP देख लोगे। हाँ ये कॉन्फिग लोकल IP क्या है, ये है ठीक है। तो तुम इसके जाओ ETC सपोज तुम्हारे पास विंडोज का सिस्टम नहीं है, ETC होस्ट फाइल में गए, यहाँ पे उस सर्वर का लोकल IP डाल दिया और क्या हमने होस्ट किया है secure.com ठीक है। अब तुम खोल सकते हो e-links https://, ठीक है, secure.com। वो SSL का एरर दे रहा है ठीक है, तो यहाँ पे खोल लेते हैं। secure.com कहाँ कर रहा था? छोड़ दो, टाइम आउट हो जा रहा ठीक है। आपने यहाँ सर SSL प्रॉब्लम क्यों दिखा रहा था? मुझे एक सेकंड CMD ऐड करना पड़ेगा। फोर कौन सी क्वालिटी है? इक्वल टू सर ये है क्या बोलते हैं, इक्वल टू HTTPS करते हैं। CMD अपन आपको है ना। देखो अब इसमें क्या करोगे, ये इनवैलिड सर्टिफिकेट है ठीक है ना। तब जाके एडवांस में जाओगे, अब यहाँ पे क्या करते थे, प्रोसीड टू सिक्योर ऑन सेफ। ना secure.com वही जैसे ये तो ब्राउजर में तो वार्निंग दे दिया, तो ये ईलिंग्स कमांड है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसी तरह जैसे तुमने हमने वो किया था ना, देखो हमने क्या किया, example.com किया था ना फर्स्ट टाइम, वो तो सिक्योर वो है बिना HTTPS है example.com। अब तुम खोलो यहाँ पे e-links HTTP, देखो बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं लगाओगे ना HTTP लग के जाता है। हाँ आया ना, है लिख के, क्योंकि SSL नहीं है ना इसलिए वार्निंग नहीं दिया।
अब कमांड मोड में वार्निंग दे रहा होगा कहीं पे जो हमें नहीं दिख रहा है, समझ में आया। तो उसके लिए हमें ये वाला सिस्टम 32 में विंडोज में जाके एंट्री करना जरूरी है डीएनएस को बाईपास करने के लिए। अगर मैं कल इनके सिस्टम पे चलाना चाहूँ तो इनके सिस्टम 32 में जाकर हमें डालना ही है अपना आईपी और सेव करने देगा तब से। सेव करने देगा हाँ, वो ऑप्शन बता दीजिएगा सर कि हम वो कैसे चेंज करेंगे रूट से जाकर एडमिनिस्ट्रेटर से। ऐसा नहीं हो सकता सर, सेव कर दें या पुराना वाला हटा के इसको रुको। नहीं वो नहीं करने देता ना, इवन आईटी वाले भी नहीं कर पाते हैं, पता है तुम्हें। अब मैं किस सिस्टम का दे दूं ना इसका होस्ट फाइल में जैसे चेंज करके कैसे सेव करने के लिए मांग रहा है, ठीक है, वो खुद नहीं कर पाते हैं वो। मतलब मैंने एंटी वायरस अपना ब्लॉक किया, एंटी वायरस लगा रखे है ना, ये एंटी वायरस सेव नहीं करने देता, ब्लॉक कर देता है वो, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फाइल होता है ना, तो कुछ चेंज नहीं कर सकते जल्दी इसमें। अब अपने अपने लैपटॉप के यहाँ तक चेंज नहीं कर पाता हूँ, ये तो मैं अपने ऑफिस का सिस्टम लेके चेंज कर रहा हूँ। तो हो जाएगा शायद इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें तुम किस मुन्ना से लॉगिन करते हो? नहीं इसमें तो सिंपल है सर, इसको बंद कर दो। नहीं नहीं बात बता रहे हम तुम्हें, छोड़ो अभी रहने दो। मतलब होस्ट फाइल में तुम चेंज कर दोगे तो चल जाएगा। तो मेरा विंडोज तो ऐसे नॉर्मल है, कोई किसी चीज़ से लॉगिन नहीं। अभी तो काम कर रहा ना यार, सिंपल चेक करने के लिए ना, 100-150 रुपये में मिल जाता कोई भी डोमेन ले लेना गोडेडी से, हैंग वाला, मतलब कि जो सस्ता वाला होगा abc.biz। ठीक है, नहीं मेरा डोमेन तो है ना, नाम चेंज करके दे रहा हूँ ना, नहीं तो कहीं चल अभी स्काइप देख ले। सर ये तो सर दे चुके हैं ना, और भी तुम्हें नया चीज नहीं दिख रहा है? पता है अपाची कॉन्फ़िगरेशन कर दो तो यही करना पड़ेगा। बड़े बड़े भी इंटरव्यू अच्छे अच्छे आते हैं ना इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी नहीं पता पता पूरा चीज़ है, बस बेसिक बेसिक बता पाते हैं। ये तो उसको ही बता देगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं भी जाओगे तो उसको ये चीज़ बताओगे ना तो समझ जाएगा कि तुम्हें ये तो कोई भी बता देगा। अभी इतने इतने अंतर नहीं है, देखो यहाँ पे भी वही है, वही रहने देखो सब कुछ वही है, यहाँ तक वही है। लॉग फॉर्मेट डालो ना डालो ये हमने अपने हिसाब से डाल रखा है। एक तो लॉग होता है मान के चलो कि जैसे तुमने देखा था ना कि एरर लॉग आ रहा था, डेट आ रहा था, टाइम आ रहा था,
हम चाह रहे हैं कि जो हमारा लॉग है अभी जो लॉग फाइल बना होगा वेयर द लॉग अंदर HTTPD ठीक है देखो अभी इसके अंदर क्या बना होगा ये वाला हम लोग टेस्ट कर रहे थे ना ये सिक्योर एक्सेस लॉग वाला जो मैंने अभी ब्राउज किया था बाहर से देखो इसमें क्या आया है आईपी आया है डेट एंड टाइम आया है और किस फाइल को हमने हिट किया है वो आया है ठीक है ना सर तो ये टेल से भी देख सकते हैं हम कैट से तो एक बार में पूरा देख लिया टेल हाइफन एफ वो उसके लिए यूज होता है लाइव आता रहे लाइव लॉग देखने के लिए लाइव जो भी रिक्वेस्ट आया तो हमारे पे यहाँ पे लॉग बताता जनरेट होता रहे तो अब हमने क्या किया कि मान के चलो कि हमने ये देखना है कि एक किसी पेज को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा कुछ उससे पूछ सकता है ना सपोज दैट कि कोई बोल रहा है कि साइट तुम्हारा स्लो चल रहा है कोई तुमने बोल दिया जैसे कहीं इंटरव्यू में गए चाहे तुमने एडवांस चीजें बता दिया उसको उसको लगेगा कि बंदा काम करता है जैसे कोई तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारा सर्वर स्लो चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि सर उसमें हम लॉग फॉर्मेट में जाके लॉग का पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर को चेंज कर देंगे उसमें हम क्या कर देंगे ये जो टाइम है ना टी वाला ये टाइम लगा देंगे ठीक है ना नहीं ये टाइम नहीं ये टाइम है ये आइकन बी के बाद बाय डिफॉल्ट क्या है ये दिखाता है मिनट्स में ठीक है यहाँ पे हम परसेंट डी की जगह परसेंट टी कर देंगे अच्छा डी की जगह पे टाइम दे देंगे तो ये क्या कर देगा हमारे को जो टाइम जो कोई भी पेज प्रोसेस होगा लॉग में आएगा जो तो उसका वो टाइम दिखाएगा कितना सेकंड में ये फाइल एग्जीक्यूट हुआ है ठीक है तो सपोज तुम्हारे को लग रहा है कि ये फाइल एग्जीक्यूट होने में हमारे को ज़्यादा सेकेंड लग रहा है इसका मतलब उस पेज में हमारा कुछ ना कुछ फंस रहा है तो हम डेवलपर्स इसको हम फिक्स कराएंगे ठीक है तो ये है लॉग फॉर्मेट जो हम अपने अकॉर्डिंग लॉग फॉर्मेट बनाते हैं ठीक है लॉग फॉर्मेट का बहुत कुछ होता है जरूरी नहीं कि यही हो कुछ भी हो सकता है लॉग फॉर्मेट और ये बताना होता अब नहीं तो ये ऐसे यूज मत करना है फिर है ट्रांसफर लॉग वही हो गया SSL प्रोटोकॉल हम अपने सर्वर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल इनेबल करना चाह रहे हैं जो मैंने अभी यहाँ लिखवाया था SSL V1 V2 V3 ठीक है हमने क्या किया ऑल मतलब सारे अलाउ हो जाए डिनाई कर दे कौन कौन सा माइनस ये मतलब कि अलाउ ना हो बाकी सारे अलाउ हो जाए मतलब SSL V2 और V3 जो है अलाउ ना हो बाकी सारे अलाउ हो जाए इसका मतलब ये होता है V1 V2 क्या है सर V2 V3 ये सब TLS का जो SSL का एल्गोरिदम है उसके ये सब डिफाइन किया हुआ फंक्शन है कि V1 में कितना इंक्रिप्शन होना चाहिए V3 हमने इनेबल किया है तो उसमें क्या इंक्रिप्शन है मतलब सबका इंक्रिप्शन का ना वो एक नाम दिया गया है इसमें सिक्योरिटी कम है इससे थोड़ा एडवांस सिक्योरिटी SSL V3 में हो गया अब SSL V3 से TLS आ गया उसमें सिक्योरिटी और एडवांस हो गया ठीक है ये है SSL होल्डर सीपर होल्डर कौन ये करो चाहे ना करो कोई जरूरी नहीं ये होता है सीफर्स के लिए ये रहा अब SSL सीफर ये सीफर जो है एक स्टैंडर्ड कोई कंपनी है जो बनाती है सब चीज़ें ठीक है कि आप अपने सर्वर पे कौन कौन सा सीफर इनेबल करना ये लाए कहाँ से हैं सर सीफर सीफर
जो है ना ओपन SSL कमांड जो है वो देता है, देखो कि ओपन SSL सीपर जो है ना वो ओपन SSL सीपर देता है कि हम अपने सर्वर पे कौन कौन से हमें कितना कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें से तुम काम करोगे ना ज्यादा नहीं तो एक भी ले लोगे ना तो एक भी तुम कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दोगे तब भी चलेगा। मतलब ये सबका जो है ना कोमा कोमा करके जो डिफाइन है सब अपने आप में क्या है एक ये सीपर है। इसमें सिक्योरिटी कुछ होगा, इसमें सिक्योरिटी कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, तुम कोई अपने सर्वर पे क्या इनेबल की करना चाह रहे हो वो तुम यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि हमने सब मिटा के हमने यही एक ले लिया ठीक है तो हम क्या कर देंगे इसमें मतलब इनक्रिप्टेड है हमें पता कैसे चलेगा क्या कहीं नहीं होगा। इनक्रिप्शन है ना ये इनक्रिप्शन है वो जिस कंपनी ने बनाया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए इनक्रिप्शन आपको पता चलता है सर इसमें क्या है ना। तो फिर कैसे लगा रही है तो हम लोगों को जो PCI रिकमेंड करता है ना PCI सर्वर PCI हमारे थर्ड पार्टी कंपनी है वो हमारे सर्वर को स्कैन करता है वो बोलता है कि ये बंद करके ये लगाओ तब हम लोग वो लगाते हैं। ये जैसे जैसे इंडस्ट्री एडवांस होती जाती है ना होते एडवांस होते जाता है तो ये हमने ये डाल के हमने ये लगा दिया सीपर सर्वर पे। एक सीपर्स है जिसमें कि इस ये लगाओगे तो इसकी पैरामीटर इनक्रिप्शन की पैरामीटर अलग होगा। सर्टिफिकेट फाइल वही हो गया जो ऊपर में है SSL इंजन वही हो गया SSL सर्टिफिकेट की फाइल भी वही हो गया। ये चैन फाइल वो होता है जब तुम सर्टिफिकेट की परचेज करोगे ना बाहर से तो तुम्हें वो एक बंडल फाइल देता है चैन फाइल उसको बोलते हैं चैन फाइल। वो फिर हम इस पैरामीटर को डिफाइन करके उसको ही हम पूरा पाथ को डिफाइन करेंगे लेकिन फिलहाल भी हमारे पास है नहीं तो इसको क्या करेंगे हम कमेंट कर देंगे क्योंकि हमारे पास है नहीं सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है नहीं। जो GoDaddy वगैरह से परचेज करोगे ना तो चेयर फाइल भी देगा तुम्हारे को लिया सेव कर दिया। अब इसका रिजल्ट कैसे देखेंगे सर वो दोनों का तो देखे थे इसमें क्या एक्स्ट्रा दिखाएगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखाएगा बस ये हाई लेवल सिक्योरिटी होगी थोड़ी सिक्योरिटी चेंज बढ़ा सिक्योरिटी हाई हो गई ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी था ये सिक्योरिटी हाई हो गई हाई एडवांस सिक्योरिटी ये सारे प्रोटोकॉल का सेट कर रहा था ये हमने सिर्फ हम TLS को सेट करेंगे बाकी SSL को नहीं करेंगे। इसमें हमने सिफर डिफाइन कर दिया ये थोड़ी और एडवांस सिक्योरिटी हो गई। अब बाकी लॉग पाथ भी हमने टाइम डिफाइन कर दिया लॉग हमारा जो अब आएगा वो डिफरेंट तरीके से आएगा पहले डिवाइस था ना सर। हाँ नहीं लॉग तो हमेशा टाइम टू टाइम आता है सेकंड पहले डी था यहाँ डी था डी का मतलब ये था कि वहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हो डिफॉल्ट में समझो अब हमने टी लगा दिया तो टाइम आएगा Apache done. पता नहीं मैं सिलेबस देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ ये अलग पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे आता है। दूसरा ये तो ये हो गया ठीक है। अब जैसे होता है सर्वर पे जैसे तुम्हारा एक फोल्डर था हमने क्या किया वेयर www html के अंदर कौन था CD कौन था है डेमो वन था ना डेमो वन था चलो डेमो वन में चलेंगे ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है
एक फाइल है, ठीक है। अब सपोज तुम मान के चलो एक हमने फोल्डर बना दिया डेमो के अंदर रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के अंदर गए हम, अब हमने यहाँ पे एक फाइल रखा टच करके बना दिया one.csv, ठीक है, one.txt, two.jpg फाइल बना दिया हमने, फाइल बन गया। अब देखो तीन फाइल खुल गए ना यहाँ पे आ गए, लेकिन ये क्या है, सिक्योरिटी फॉल्स है, ये सिक्योरिटी ब्रेक कर रहा है। बीच में यही हुआ था हैकिंग, यही हैकिंग हुआ था जिसे खोया जाता है। एक सिंपल सा चीज़ था जो हमें आइडिया ही नहीं था ये होना चाहिए। सर ये होने के बाद ये तुम जाओगे etc/httpd.conf हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में डाल दो, कहीं भी डाल दो, कोशिश करो ऊपर ही डालो, ठीक है, होस्टिंग के ऊपर डालो। यहाँ पे लिखो डायरेक्टरी, ठीक है, यहाँ पे डाल दो वायर, ऑप्शंस इंडेक्सेस मैंने इसलिए डाला स्लैश वायर, डालने को तुम पूरा पार्ट डाल सकते हो। सपोज डेट तुमने डाल दिया रिपोर्ट्स नाम के, कोई डेवलपर आया एक साल एक और बना दिया रिपोर्ट्स टू करके, तुम तो ब्लॉक किए हो रिपोर्ट, अब तुम हमेशा थोड़ी सर्वर में चेक करने जा रहे हो। सही बात है। अब वो कुछ और बना दिया फोल्डर, ठीक है ना, तो वो तो एक्सेस हो जाएगा, तो एक्सेस हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो ज्यादातर डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट रूट का जो मेन पाथ है वायर वहीं पर डाल दो, मेन हम लोग होम और वायर को डाल के रखते हैं क्योंकि हम ज्यादातर बना के देते हैं होम और वायर में ही देते हैं, ठीक है, 99%। सेव कर दिया, अच्छा उसमें हमने ये भी एंट्री कर दिया है ना यार, रुक जा, इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, तुम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक ही नाम से दो दो बन जाएगा ना, फिर ये दोनों की डायरेक्टरी एक ही होगी ना। सबको कमेंट करो, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता इसके लिए सब चीजें। हमने पढ़ा था ना कहीं सुना था, कैसे भी होता है।
बंद हो गया ना। क्या हो गया? बंद हो गया ना, मतलब वर्ड डब्ल्यू एच टी एम एल तो पूरा पाते हैं, लेकिन बैर भी ले लेता है, बैर भी ले लेता है। तो ये ब्लॉक कर दिया तो हमारा ब्लॉक हो गया, कहीं से कोई भी है एक्सेस नहीं कर सकता। और ये हो गया अपाची सेंड, और कुछ प्रैक्टिस में चाहिए। तुम तो अपाची डन, अपाची डन, खाली एक ही रट लगाए हुए हैं आज। तो क्या चाह रहे हो, डन नहीं और बताओ है तो। अब जैसे कोई सर्वर को मोनिटर, अपाचे को तुम मॉनिटर करना चाह रहे हो, जैसे कि कोई क्या है कि कभी कभी क्या है ना कि तुम देखोगे जैसे कोई एचटीटीपी यहाँ दिखा रहे हैं ना, एचटीटीपी यहाँ पर सबसे टॉप में आ जाएगा, ठीक है, टॉप में आ जाएगा। और देखोगे कि उसकी जो सीपीयू परसेंटेज है वो 100% यूज करने लगेगा। ये HTTP सेम यही पलट के सी दबाने पे कमांड आता है, ठीक है ना, मतलब ये HTTP अभी क्या है, सो जो सबसे टॉप में जितना जो परसेंटेज ले रहा है अभी MySQL ले रहा है। अब जैसे तुम्हारा CPU में HTTP आ गया सबसे टॉप में, ये देखोगे कि 90% ही ले रहा है। अब CPU तुम्हारे पास कितना कोर है, एक कोर है, अब 90% HTTP ले जाएगा तो सिस्टम बैठ जाएगा ना तुम्हारा, बैठ जाएगा। अब तुम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कि कौन सा पेज है ये, ठीक है ना, कौन सा पेज है ये तुम्हारे को पता नहीं लग रहा है। अब क्या करोगे तुम, या तो सिर्फ PID फाइल दिखा रहा है, और तुमसे कोई पूछेगा, डेवलपर पूछेगा कि पेज तो बताओ कौन सा पेज हमारा फंस रहा है, तो तुम कहोगे यार पेज कैसे बताएं हम, ठीक है। इसके लिए कमांड है, कमांड नहीं एक पैरामीटर है जो तुम्हें ऑन करना पड़ेगा। होता नहीं है, करना पड़ता है, सर्वर स्टेटस करके होता है। यहीं पे वो भी डाल दो, उसका भी होता है, ध्यान नहीं है क्या लोकेशन पाइपर
सर्वर स्टेटस है जैसे हाँ हाइफन सर्वर हाइफन स्टेटस ठीक है ब्रैकेट वन सेट सेट हैंडलर सर्वर हाइफन स्टेटस स्टेटस ऑर्डर अलाउ कॉमा ऑर्डर डिनाई अलाउ कोई नहीं अलाउ फ्रॉम कहाँ से मैं अलाउ कर रहा हूँ मैं अपना ऑफिस का आईपी अलाउ कर रहा हूँ ठीक है ये सब जगह अलाउ नहीं करना चाहिए ये सेक्शन लगाना जरूरी डिनाई फॉर्म ऑल मतलब सब जगह से बंद हो अलाउ किससे हो नीचे देखो अलाउ फॉर्म लिखा है अच्छा हम डिनाई फॉर्म में अलाउ नहीं लिखेंगे कोई भी पहले लिख सकते हैं लोकेशन एक कैब छोड़ रखे हैं डिनाई फॉर्म वाला अरे बात वो भी है वैसे करोगे तब भी वही चलेगा और वैसे करोगे तब भी वैसे ही चलेगा आईएमसी 5.2 से किए हैं तो 5.2 से ही खुलेगा अगर मैं अपने सिस्टम पे खोलूंगा मेरे पे तो नहीं खुलेगा क्योंकि बाहर से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा जैसे देखो ऑर्डर क्या है अलाउ कोमा डिनाई अब हम डालेंगे अलाउ फ्रॉम दिस तो सिर्फ अलाउ हमारे से होगा बाकी सब डिनाई में ही जाएंगे अगर कुछ हम दिए नहीं है तो सब डिनाई में ही जाएंगे अलाउ फ्रॉम ऑल कर देखो सब सब एक्सेस कर सकते हैं ठीक है अब तुम भी अपने मोबाइल पर खोल सकते हो सब कोई भी खोल सकते हैं एनीबॉडी तो मैंने ये कर दिया ठीक है ना सर्वर हाइफन कितने जगह रिस्टार्ट किया रीलोड भी लोग यूज करता है ठीक है रिस्टार्ट हो गया तो हमें पेज देखना था ना सर तुम खोल सकते हो तुम्हारा पब्लिक आईपी है ना इसका नहीं खुला क्योंकि हमने क्या अलाउ कर रखा है आपका मैं अपने भी खुलता हूँ आपका आईपी अलाउ है थ्री डॉट फोर्टीन डॉट आपका वाला नहीं इसका आईपी बताओ ना फोर्टीन डॉट एटी वन डॉट सेवेंटी वन आईपन आईपन स्टेटस हमारे पे खुल गया नहीं ये तुम्हारे पे नहीं खुला तो इसमें पेज बता दिया सर अब देखो इतने सारे पी आई डी चल रहे हैं ठीक है ना अब तुम टॉप करो दो दो इंस्टीट्यूट भी चल रहा है ना उसके मेन मेन की आईपी यहाँ पे पी आई डी फाइल ये पी आई डी दिखेगा अभी कुछ हमारा फंसा नहीं है इसलिए हमारा जल सर्वर स्टेटस खुला हुआ पेज इसलिए सर्वर स्टेटस का ये पेज क्या पी आई डी है ये है तो पेज नंबर हम कौन सा बताएंगे इसका सर देखने के लिए हमें देखने के लिए पड़ेगा
जैसे जो पीआईडी नंबर तुम्हें यहाँ मिलेगा उसी पीआईडी का गेस्ट यहाँ पे पेज नंबर आगे शो करेगा, जैसे शो कर रहा है ना ये example.com/server-status, उसी तरह उसका फाइल नेम आएगा यहाँ पे, जो पेज उसका स्टक हो रहा होगा ना परसेंटेज उसको बताओगे कि जिसका जैसे मान के चलो इस HTTP का 90% है CPU utilization, अब तुम इसके अगेंस्ट तुमने क्या देखा यहाँ पे PID फाइल देखा, इस PID को तुम यहाँ पे सर्च कर लो, जो PID नंबर मिला उसका आगे पेज नंबर भी मिलेगा, रिक्वेस्ट है ना ये लास्ट में रिक्वेस्ट कि इस पेज को रिक्वेस्ट कर रही है, उसको तुम पेज नंबर बता दोगे कि इस पेज पे इतना यूज हो रहा है, इवन यहाँ पे भी दिखाता है देखो CPU कितना परसेंट यूज हो रहा है, अब तो अभी हमारा क्या है कुछ भी नहीं यूज हो रहा है, 0-0 है, ठीक है ऐसे समझ रहे हैं। अब देखना चाह रहे हो तो एक काम करो, सबसे पहले इसमें ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, यूम इंस्टॉल PHP, अब तुम काम करो इसके अंदर एक फाइल बनाओ yum.php के नाम से, ठीक है PHP, ठीक है यहाँ पे दे दो स्लीप 60 सेकंड का दे दो, क्वेश्चन मार्क है क्या सर, ये PHP का टैगिंग ऐसे ही होता है, इसको बंद कर दो, ठीक है पूरा पैकेज इंस्टॉल नहीं है लग रहा है, ये तो स्क्रिप्ट बता दिया जो हमने लिखा, अच्छा रिस्टार्ट तो किया नहीं ना हमने HTTP दी तो कहाँ से लेगा, रिस्टार्ट में फंस रहा है नहीं, आज मेन चैप्टर मिस कर दिया उसने, हमारा ना समझाएगा उसको, समझाएगा ना ना सर्वर दिक्कत कर रहा है यार, छोटा सर्वर है ना ये, मुझे जान नहीं है ना, डाल दिया इसको हम लोग इस तरफ पढ़ रहे हैं जिस तरफ पढ़ा है, इतने जो फ्री में पढ़ रहे हो वहाँ लोड दिए जा रहे हो, चल बता रहा क्या मैंने उसको दिया तो क्लियर कर दूँगा सर, इसको रिस्टार्ट करो, ओके करना पड़ेगा, इसको बंद कर देते हैं, नहीं हो रहा सर, पता है क्या देख रहे थे लोग, अच्छा PHP
नहीं एरर है इसमें, फिर जब देखना पड़ेगा पैरामीटर क्या होता है उसमें। पीएचपी स्लिप फंक्शन स्लिप के नाम साइन। अब भाई हमें पेज को क्या कराना है, लूपिंग कराना, लूपिंग कराना है ना। अच्छा अच्छा ब्रैकेट में होगा डाउट लग रहा था मेरे को। देखो स्टक हो गया ना ये, 60 सेकंड तक घूमता रहा। हाँ देखो 100 पेज भी आ गया ना यहाँ पे। हाँ अब इसको काम करो, पीएचपी के लिए क्या ले रहा है ये 3741। अब जैसे मान के चलो 3741 ये है, ठीक है ना, एचटीटीपीडी है। अब कुछ तो मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है ना। अब जैसे कुछ पेज में बहुत बड़ा एरर होता है, बहुत बड़ा पेज फंस रहा है, कुछ क्यूरी MySQL की एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो तुम यहाँ से उस पीआईडी के अगेंस्ट इसका पेज नंबर आ गया ना रिक्वेस्ट पेज, तो तुम उनको बता सकते हो कि ये तुम्हारा पेज जो है स्टक कर रहा है। कौन पेज है? 1.php फाइल का नाम है, फाइल का नाम ही है, तो फाइल ही का नाम बताना है उसको। ओके कौन ये सा फाइल फंस रहा है? हाँ कौन सा तुम्हारा पेज, पेज कैसे बताएंगे? अरे पेज फाइल एक ही बोलते हैं यार। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर बताना है उसको। ठीक है सर, यानी हमें वो शो कर देगा कि कौन सा पेज पे प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ से तुम देख के, तो 1.php बता देंगे, फाइंड कर लेंगे। मतलब कि पहले तुम सर्वर स्टेटस को जाके इनेबल कर लोगे उस पैरामीटर को डाल के, और यहाँ से तुम पीआईडी नंबर देख के इस पीआईडी को तुम इस में जाके सर्च कर लोगे, उसके अगेंस्ट आगे रिक्वेस्ट वाले कॉलम में उसका फाइल नेम मिल जाएगा। अब वही बता दूंगी उसको। ये सब सर तो हमारे से प्रैक्टिस होगा नहीं ये वाला, क्यों? क्योंकि चालू हम पे चलेगा नहीं ना। चले क्यों नहीं, यहाँ पे अलाउ फ्रॉम ऑल कर दो ना। अच्छा जहाँ पे डिनाई हो, तो आप जब सिस्टम पे चलाओगे तो अपना whatismyip.com डाल देंगे, whatismyip.com करके देख लेना। ठीक है, ऑफिस से करोगे तो ऑफिस से खुल ही जाएगा, ऑफिस का 5.2 ही होता है। फिर वो पाथ दे देंगे ना सर, ip:\server\status-status। हाँ server-status, इसलिए तो मैंने खोल दिया तुम्हारे सिस्टम पे, ये पता रहे। और जैसे यहाँ पे भी खोलना, जैसे खोल ना हो तो चेक करने आता है सर व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। ये तो भी साला ये तो 6 दिखा रहा है, आईपी वर्जन 6 दिखा रहा है, 6 अलग होगा ना, दोनों दिखाता है नहीं, केवल एक ही दिखा रहा है, हम लोग उससे कनेक्ट है ना। वही तरीके 6 चलने का नहीं।
का ऑप्शन आ रहा था सर, सामने कोमा होता है या स्पेस दे देते, कोमा भी दे सकते स्पेस भी दे। नहीं नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना आईपी उसका, IP6 डालना पड़ेगा ना भाई। हमने तो अपना IP6 को अलाउ किया है अपने यहाँ का, नहीं दे रहा है, नहीं ले रहा है। ये चीज़ याद रखना कि ये पेज ना IP प्रोटेक्टेड ही होना चाहिए, क्योंकि ये पेज कोई यूजर नाम मांगता है ना पासवर्ड मांगता है, इसलिए आई नहीं तो कोई भी खोल के हमारा देख लेगा ना मॉनिटरिंग हमारा। आईपी होना ही चाहिए ठीक है अमरनाथ, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, कल आओगे क्या डॉक्टर पढ़ लेते इसमें और भी बाकी अपाची में। आप कम से कम सब्जेक्ट तो चेंज किया है, इससे पहले बोल रहे थे खत्म। नहीं मैं ये सोच रहा था हो गया, मैं छोटा समझ रहा था हो गया, मैंने कहा ये तो मैंने अपने खुद से के लिए APS-EF डालते हैं जब उसका पेरेंट्स को देखते हैं। हाँ पेरेंट्स को डालने के लिए ये देखोगे ओके, तब ये नहीं हटता है। किल हम डाल दो 9 फोर्सफुली ये कर रहे हैं ना, स्पेस ये भी डाल दो, आज जो चल रहा है वो भी डाल दो, अब इनके बाप नहीं आएंगे। मैंने दोनों हटा दिया, ग्रेप में तो देखना पड़ेगा पीएस करके। लेकिन हुआ नहीं सर, बंद था सर, हुआ नहीं बंद था, हो गया हो गया हो गया, फिर आखिर हाथ हो गया था तभी तो मैंने इसे फायदा है नहीं आखिर लिखता मैं दोबारा को पढ़ा उसे अपलोड भी नहीं होगा, म्यूट हो चुका है, ज्यादा हो जाएगा ना नहीं अपलोड होने देगा, बंद करो उसको।